गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि यूट्यूबर्स के साथ अन्याय हो रहा है, यूट्यूबर्स के साथ गलत हो रहा है। सारे तिकड़म आपने लगा लिए कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, कौन तरीका तुमने छोड़ा बताओ? कोई तरीका छोड़ा? एक भी तरीका तुमने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन उसके बाद भी आज वही के वही पड़े हुए। तुमने न जाने कितनी ऐसी वीडियो बनाई होगी जो सर्च लिस्ट पे आ रही है, लेकिन व्यूज उसमें कितने आए? 500, 600, 700। अरे इतने व्यूज के लिए आए थे क्या यूट्यूब पर? तो जाओ उनकी वीडियो पे, बढ़ाओ उनके व्यूज, उनके तो लाखों में व्यूज आएंगे, लेकिन तुम वही के वही पड़े रहोगे। और देख लो खुद को आज, सपना लेकर यूट्यूब पर क्या आए थे कि साला माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, साला मोहल्ले में दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं, अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाने आए थे, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया है। क्या क्या नहीं छोड़ा तुमने, क्या क्या त्याग नहीं किए तुमने, बताओ कमेंट करके कितने त्याग तुमने किए यूट्यूब के लिए। लेकिन क्या यूट्यूबर बन पाए? नहीं बन पाए, ना बन पाओगे। 2 दिन के अंदर आपके भाई के अकाउंट में 50,000 रुपए आए, सिर्फ 2 दिन के अंदर। सच तो कुछ और ही है, और वो सच आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल में यूट्यूब पर काम करके कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। एक नहीं, हजारों चैनल यूट्यूब पर ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत कर ली है, लेकिन एक भी रुपया यूट्यूब से नहीं कमा पाए। आप लोग कमेंट करके बताइए ना, आपने कितना पैसा यूट्यूब से कमा लिया? देखते हैं ना आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं ना, कमेंट करके बताइए कितने पैसा कमा लिया यूट्यूब से। एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई होगी, लेकिन समय को आपने लगा दिया। क्या आपके समय की कोई वैल्यू नहीं है? बड़े बड़े यूट्यूबरों की वीडियो देखते हैं, उनके वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन एक भी पैसा आज तक आपने नहीं कमाया। आपका पर्पज उन वीडियो को देखने का क्या है? क्या है बताइए? सिर्फ पैसा कमाना, सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर ग्रो होना। लेकिन आज तक आप ग्रो नहीं हो पाए, सालों साल लगे रहे। क्या आपका वीडियो खराब है क्या? नहीं, आपका वीडियो सही है, आपका थंबनेल सही है, आपका टाइटल सही है, आपका डिस्क्रिप्शन टैग, आपके वीडियो का एसईओ भी सही है, लेकिन उसके बाद भी आप यूट्यूब से एक पैसा नहीं कमा पाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर आपको जबरदस्ती रास्ते से भटका रहे हैं, आपको वो चीजें बता रहे हैं जहां से आप चाहे जी जान लगा दो, लेकिन कभी यूट्यूबर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि आप लोग को लगता है कि जो बड़े बड़े महावीर बता रहे हैं आपको वो सच है, जबकि दोस्तों विश्वास कर लीजिए, बिल्कुल सच नहीं है। इस चैनल से पहले मैंने ना जाने कितने चैनल बनाए, लेकिन बड़े बड़े महागुरुओं की वीडियो देख देख कर एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाई। सिर्फ उनके लाइव सेशन अटेंड करते रहे, उनके वीडियो को देखते रहे और उनको पैसा कमवाते रहे, लेकिन साला खुद कभी 1 रुपया नहीं कमा पाए। यही सच है यूट्यूब का। हमको लगता था साला हमारा वीडियो खराब है, वीडियो नहीं खराब रहता दोस्तों। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, ये आपको जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप जिंदगी में खुद ही कौड़ी नहीं कमा सकते। और जिस दिन से मैंने ये संकल्प किया कि साला अब खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से कंटेंट बनाएंगे, सब खुद खुद से ही करेंगे, उसके बाद चैनल ग्रो हुआ, यूट्यूब से पैसे भी कमाए। आज इस चैनल से हम लाखों रुपए कमा चुके हैं। कैसे कैसे कैसे? तरीका लगाया है, तरीका अपनाया है, तब जाकर के पैसे कमाए। एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम बड़े बड़े महागुरुओं की वीडियो देखते रहोगे कभी जिंदगी में यूट्यूबर नहीं बन पाओगे। तुम खुद कमेंट करके बताओ कितना समय तुमने दे दिया, एक चैनल, उसके बाद दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल, चौथा चैनल, पांचवा चैनल, लेकिन क्या कभी पैसा कमा पाए? नहीं कमा पाए। अरे बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं स्ट्राइक कैसे हटाएं, साला हमने अपने चैनल पे स्ट्राइक हटाई, साला कभी नहीं स्ट्राइक हटी उनके तरीकों से, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं बस। क्या ये खुद की स्ट्राइक नहीं हटवाते? हटवाते हैं, लेकिन कभी भी अपना वो नहीं बताएंगे जो रियल तरीका है। क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि तुम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनो। तुम उनके व्यूअर हो, तुम उनके कस्टमर हो। जिस दिन तुम यूट्यूबर बन जाओ, यूट्यूब से पैसे कमाने लगोगे ना, तुम उनकी वीडियो देखना बंद कर दोगे। इसीलिए वो लोग आपको सच नहीं बताते। सच तो कुछ और ही है, और वो सच आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल में यूट्यूब पर काम करके कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। जैसे आज आपका भाई कमा रहा है ना, वैसे कमाए जा सकते हैं। तरीका है, लेकिन तरीका कोई आपको बताने को तैयार नहीं। सारे तिकड़म आपने लगा लिए कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, कौन तरीका तुमने छोड़ा बताओ? कोई तरीका छोड़ा? एक भी तरीका तुमने नहीं छोड़ा होगा, लेकिन उसके बाद भी आज वही के वही पड़े हुए। सच बोल रहा हूं, गुस्से में इसलिए हूं क्योंकि यूट्यूबर्स के साथ अन्याय हो रहा है, यूट्यूबर्स के साथ गलत हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब पर।
लोग चाहे तो बहुत बड़े लेवल का कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर रियल में पावर है। क्या आपके अंदर पावर नहीं है? आप भी इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो, लेकिन जब तक इन बड़े बड़े पाखंडियों के चक्कर में फंसे रहोगे ना, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। इस बात को हम लिख के कह सकते हैं, ध्यान रखना। दिल से बोल रहा हूं दोस्तों, यूट्यूबर बनने का तरीका क्या है, दिल से बताने जा रहा हूं। कुछ नहीं, झूठ नहीं, सच, जो रियल में है, जैसे रियल में यूट्यूब काम करता है। अगर तुमको रियल में पैसे कमाने हैं तो, और अगर सिर्फ तुमको भैया ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के टाइम पास करना है, बड़े बड़े यूट्यूबरों के व्यूज बढ़ाने हैं, तो जाओ उनकी वीडियो पे, बढ़ाओ उनके व्यूज, उनके तो लाखों में व्यूज आएंगे, लेकिन तुम वही के वही पड़े रहोगे। और देख लो खुद को आज, सपना लेकर यूट्यूब पर क्या आए थे कि साला मां बाप का नाम रोशन करेंगे, साला मोहल्ले में दिखा देंगे कि हम भी कुछ हैं, अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाने आए थे, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, हैं? क्या क्या नहीं छोड़ा तुमने, क्या क्या त्याग नहीं किए तुमने, बताओ कमेंट करके, कितने त्याग तुमने किए यूट्यूब के लिए। लेकिन क्या यूट्यूबर बन पाए? नहीं बन पाए, ना बन पाओगे जब तक इन बड़े पाखंडियों के चक्कर में फंसे रहोगे। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े पाखंडियों के वीडियो पे लाखों में व्यूज आ रहे, कैसे? क्योंकि वो आपको फंसा के रखते हैं अपने वीडियोस में, झूठ बोलते हैं, और यही सच है। और जो आपको सच बताएगा उसके पास आप कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, इसीलिए आप लोग सच सुनना नहीं चाहते। आज बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से, अगर यूट्यूबर बनना है 2024 में यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, अपना चैनल मोनेटाइज करना है, पहचान बनानी है, मां बाप का नाम रोशन करना है, सक्सेसफुल होना है, सुन लेना ध्यान से, कोई टाइटल नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई टैग नहीं, जो सच है वो बता रहा हूं। तुम लोगों को क्या लगता है, वीडियो को एसईओ कर दोगे तो तुम्हारे लाखों में पूछा जाएंगे? अरे घंटा नहीं आएंगे तुम्हारे व्यूज करे तो ना जाने कितनी वीडियो तुमने एसईओ, टॉप पे एसईओ तुमने किया होगा अपनी वीडियो पे, लेकिन घंटा एक व्यूज लाए? नहीं लाए ना, ना आएंगे, नहीं आने वाले। कुछ नहीं होता एसईओ, सच यही है। एसईओ काम करता है सिर्फ सर्चेबल कंटेंट पर, वो भी हजारों में कहीं एक वीडियो पर ये काम करता है बस। तुमने ना जाने कितनी ऐसी वीडियो बनाई होगी जो सर्च लिस्ट पे आ रही है, लेकिन व्यूज उसमें कितने आए? 500, 600, 700, अरे इतना ही व्यूज के लिए आए थे क्या यूट्यूब पर? नहीं ना। लेकिन फंस के तो रहेगा इतने व्यूज पे, तो आखिर व्यूज आएंगे कैसे, पैसे कमाएंगे कैसे, वो तरीका क्या है जिसके थ्रू ये बड़े बड़े महागुरु तो भैया यूट्यूबर बन जा रहे हैं, पैसे कमा ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं कमा पा रहे। ध्यान से सुन लेना, अपने अंदर की क्षमता देखी कभी तुमने? देखी तुमने अपने अंदर की क्षमता कि तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है? नहीं देखी ना। दूसरों को देख लिया कि अरे भैया वो मुकेश भैया तो दौड़ रहे हैं, तो हम भी दौड़ेंगे। अबे दूसरे को देख के कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट पर हम देख रहे हैं ढेला भर का सहूर नहीं है, आ जाते हैं यूट्यूब पर, टिप्स दे रहे हैं यूट्यूब की। कैसे दे रहे हो यार यूट्यूब की टिप्स? तुमको 1% का एक्सपीरियंस नहीं है, 1% का नॉलेज नहीं है, यूट्यूब पर आ रहे हो यूट्यूब की टिप्स देने? ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप लोग ये बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लगता है भैया वो यही पैसा है बस, बाकी कहीं पैसा ही नहीं बचा। अपने अंदर की क्षमता को देख करके काम करते ना तो शायद आज राजा बन जाते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, लता मंगेशकर का नाम सुना होगा आपने। लता मंगेशकर जी कितनी बड़ी गायिका थी, कितनी बड़ी गायिका, वो एक गायिका थी। उनके अंदर की क्वालिटी क्या थी कि वो एक अच्छा गाना गा सकती थी, और गाना गा करके उन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और इतिहास रच दिया। लेकिन तुम इतिहास बताए कैसे रचना चाहते हो? दूसरे की क्षमताओं को अपनी क्षमता बनाकर, अपनी क्षमता नहीं देखनी। एक बात ध्यान रखना, एक पक्षी अच्छी तरीके से उड़ सकता है और एक मछली अच्छी तरीके से पानी में तैर सकती बस। और अगर पक्षी चाहे कि वो पानी में तैरे मछली की तरह, कभी जिंदगी में नहीं तैर सकता। लेकिन वहीं पर एक मछली चाहे कि हम भैया आसमान में उड़ेंगे जैसे पक्षियां उड़ते हैं, कभी उड़ सकता है? नहीं। वो अपनी क्षमताओं को देख करके काम करते हैं और फिर वो नई नई तरीके की कलाएं अपने कैटेगरी में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहे अपोजिट काम करना, कभी नहीं कर सकते। और सच यही है, जैसे मैं अपनी बात करूं,
मुझे आप लोगों को समझाने में मजा आता है, आपको मोटिवेट करने में मजा आता है, दिल में खुशी पहुंचती है। तो साला इसके लिए पैसा मिले या ना मिले, साला जिंदगी भर करने के लिए तैयार है। सच है ये बात। लेकिन आप लोग, ऐसा कोई काम है जो फ्री में कर सकते हो जिंदगी भर? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, पूछो अपने आप से क्वेश्चन कि कोई ऐसा काम है जो जिंदगी भर फ्री में कर सकते हो? अगर है ना, तो साला उसी काम को करना चालू कर दो और ये बड़े बड़े महागुरुओं की वीडियो देखना बंद कर दो। मैं कहता हूं मेरी वीडियो भी देखना बंद कर दो। लेकिन उस चीज को लेकर के काम करने लगोगे ना साला, किसी के बाप में दम नहीं है कि तुमको यूट्यूब पर आगे बढ़ने से रोके। लेकिन वहां पर एक चीज काम और करेगी, वो क्या है? धैर्यता। सुना तुमने बहुत है, धैर्य का फल मीठा होता है, मीठा होता है। लेकिन साला कभी अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको आज के समय में सबको तुरंत चाहिए, तुरंत। अरे भाई, जिंदगी में सफलता तुरंत नहीं मिलती, सालों साल लग जाते हैं, रगड़ जाता है इंसान, घिस जाता है, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। और तुम क्या चाहते हो? दो चार दस वीडियो, दो चार महीने, पांच महीने वीडियो बना करके यूट्यूबर बनके लाखों करोड़ों रुपए कमा के अपना नाम पैदा करना चाहते हो? अगर इतना ही आसान होता ना, तो आज की डेट पर सारे काम बंद करके हर कोई यूट्यूबर बन चुका होता। समझ गए? तो अपने अंदर की क्षमताओं को देख करके काम करना चालू करो और फिर यूट्यूब तुमको आगे जरूर बढ़ाएगा। क्षमताओं को देख करके ना, 99% लोग जो यूट्यूब पर आते हैं वो यूट्यूबर बन जाते हैं। 1% ऐसे होते हैं जो अपने धैर्यता को खो देते हैं और यूट्यूबर नहीं बन पाते। धैर्यता को अपने साथ रखो, अपने अंदर की क्वालिटी को देख करके यूट्यूब पर काम करो। सालों साल तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे, तुम यूट्यूब पर काम भी करोगे, पैसा भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे। समझ रहे हो? और ये सच है, क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करके देखा है। दोस्तों, जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता नहीं चैनल आगे बढ़ेगा कि नहीं, लेकिन मुझको एक बात पता थी कि इस काम को मुझे करते रहना है, करते रहना, क्योंकि इस काम को करने में मुझे खुशी मिलती है। उस खुशी की वजह से दोस्तों, 2 दिन के अंदर आपके भाई के अकाउंट में 50,000 रुपए आए, सिर्फ 2 दिन के अंदर। सच है यार, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने तो पूरी लाइव अपना अकाउंट दिखा दिया है, देखो पैसा आया है कि नहीं आया। सच है। तो आप लोग अगर माइंड में ये है ना कि यूट्यूब पैसा नहीं देता, तो पैसा अधाधुंध देता है, अधाधुंध। लेकिन काम करना पड़ेगा अपने अंदर की क्षमताओं को देख करके, क्योंकि देखो एक बात तय है, जब तुम अपने अंदर की क्षमताओं को देख के काम करते हो ना, काम में मजा आता है। और जब सिर्फ दुनिया को देख के काम करते हो तो मजा नहीं आता, सिर्फ काम एक भार जैसा लगता है। समझ गए? तो उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। YouTube पर अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रामबाण, तुम्हारी लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई करो। बाकी YouTube की क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है वो मैंने अपने चैनल पे बता रखी है, उनको देखिए, समझिए कैसे YouTube काम करता है, फिर देखो तुमको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे आपको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं आपको सिखाता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूं उसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।